लाइट कैमरा एक्शन, विजुअल मीडियम में, सिनेमा वर्ल्ड में अगर कोई सबसे पहले वर्ड आता है तो वो आता है लाइट। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो कैमरा कुछ कैप्चर ही नहीं कर पाएगा और आपको कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगा। मैं आज हूँ शिनॉय लाइटिंग सिस्टम के यहाँ, जहाँ पर लाइट मैन्युफैक्चर भी होती हैं और यहाँ पर दी भी जाती हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए, वेब सीरीज़ के लिए। तो आपको बहुत अच्छा जानने का मौका है आज ये देखकर कि लाइटिंग क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या है और ये किस तरह से काम करती है। ये सारा कुछ आपको डिटेल में आज मिलेगा फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ये आसपास इतनी सारी लाइट्स और जब आप शूटिंग करते हैं तब भी होती हैं बहुत सारी लाइट्स, लेकिन हर लाइट का अपना एक कमाल का काम होता है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको समझे बिना आपका कोई भी सीन जो है वो बिल्टअप नहीं होता। अगर आपको ड्रामा सीक्वेंस अरेंज करना है तो आपकी लाइटिंग अलग होगी, रोमांटिक सीन है अलग होगी, कॉमेडी सीन है अलग होगी, हॉरर है अलग होगी, थ्रिलर एलिमेंट है तो भी लाइटिंग अलग होगी। तो आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये लाइट किस तरह की चीज़ों में यूज़ होती है, इनको क्या बोला जाता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का मैं नंबर और बाकी डिटेल भी शेयर कर दूंगा ताकि कभी आपको भी ज़रूरत पड़े तो इधर उधर जाना ना पड़े, आपको सीधे यहीं पर आकर लाइट मिल जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। हाय, दिस इज नितिन शेनॉय एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शेनॉय स्टूडियो लाइटिंग सिस्टम्स। वी हैव बीन इन मैन्युफैक्चरिंग सिंस 1972। मेरे पापा ने एक कंपनी फॉर्म की थी दैट वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइटिंग इन 1972। ही वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ कैनरा लाइटिंग इंडस्ट्रीज। तो वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने देखा था कि कलर टेलीविजन आने वाला है, टेलीविजन आने वाला है, एंड तो 1970s से उन्होंने शुरुआत की थी एंड टेलीविजन टुक अ लॉन्ग टाइम कमिंग इन, बट ही इज़ बीन इन दिस फील्ड सिंस देन। और उसके बाद में जब एक्चुअली टेलीविजन आ गया एंड उस टाइम पे वो सारे लाइट्स वगैरह यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए, फिर 1982 एशियन गेम्स वगैरह आ गया, दैट हैपेंड इन इंडिया इन दिल्ली। तो उस टाइम पे दूरदर्शन, प्रसार भारती और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स बने थे जिसके अंदर इंडिया में ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारा काम हुआ, सपोर्ट हुआ। फिर अदरवाइज ऑल द लाइट्स यूज टू कम फ्रॉम यूरोप एंड यूएसए, फिर वो यहाँ पे बनने लगी। ये HMI लाइट्स हैं, तो HMI लाइट्स का मेन काम तो ये होता है कि जहाँ भी आउटडोर होगा तो ये आउटडोर का लाइट को मैच करता है इन कलर स्पेक्ट्रम और इंटेंसिटी वाइज भी। जितना एम्बियंट लाइट ज़्यादा है तो उतना मैच करने के लिए हमको ये लगता है। सो दिस सिम्युलेट्स डेलाइट कलर, सो दीज आर द वर्क हॉर्सेस व्हेनेवर यू आर वर्किंग एक्सटीरियर्स। न्यूज़ रूम्स वगैरह आ गया है लेट मिड 90s में, और लेट 90s में बहुत सारे न्यूज़ रूम्स आ गए और फिर सारे न्यूज़ रूम्स वगैरह भी जो थे, वेदर इट वॉज टाइम्स नाउ, द फर्स्ट वन आई थिंक प्राइवेट वन दैट वी डिड वॉज स्टार न्यूज़ एंड टाइम्स नाउ एंड ऑल लीडिंग आज तक के हो या इंडिया टुडे के हो या इंडिया टीवी के हो, ऑल दीज वेर डन बाय अस। ये 12 kW पार की लाइट है, तो ये 12,000 watts है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल लाइट। 12,000 watts एंड 18,000 watts आर यूज व्हेन यू आर हैविंग वेरी हार्श सनलाइट आउटसाइड। तो 18 kW हैज गॉन आउट ऑन शूट, तो ये 12,000 watt की लाइट है। फिर फिल्म वाले इसमें, फिल्म में वी वेर नॉट जस्ट इन टू लाइटिंग, वी वेर अ कम्प्लीट डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग ऑफ लाइटिंग सिस्टम्स। जैसे पूरा ग्रिड्स वगैरह होते हैं, तो लाइटिंग ग्रिड्स दैट टेक द लाइट्स अप एंड डाउन। तो यशराज स्टूडियोज़ वगैरह भी जो है, तो उसका जो पूरा जो ग्रिड सिस्टम है जिसके अंदर, मतलब पहले तरापा होता था तो अब ये मोटराइज तरापा होता है। ये एल्यूमिनियम ट्रसेस वगैरह हैं, ये ज़्यादा करके इंटेलिजेंट लाइट वालों के पास होते हैं, लेकिन आजकल एक दिन के अंदर काफ़ी कुछ शूट करना होता है तो उस वजह से ये ट्रसेस वगैरह हमने भी कुछ गोल पोस्ट वगैरह हमने हमारे रख लिए हैं ताकि शूट्स के अंदर बाहर से एक और वेंडर से सामान आता है तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो हमारे तरफ से ये सब भी चले जाता है। तो जब मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री जब कंपनी शुरू कर दी थी, आई यूज़ टू वर्क इन अ कंपनी इन मैनचेस्टर कॉल्ड पावर जेम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लिकर फ्री बैलास्ट मैन्युफैक्चर करती है फॉर द होल वर्ल्ड।
तो वहाँ पे जाने के बाद मैं देखा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, एंड आई केम हियर एंड आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी फ्रॉम ज़ीरो। मैंने और मेरे बीवी दीपा ने मिलके एक डाइनिंग टेबल से चेयर लेके हमने फिर से ज़ीरो से शुरू की हमारी कंपनी इन 2003 इन शेनॉय स्टूडियो लाइटिंग सिस्टम्स। तो हमने सोचा कि अगर तो व्हाट वी डिड वाज लाइक वी ऑलवेज सॉ फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड और हमने उस क्वालिटी लेवल को अचीव करने की कोशिश की। तो विच वॉज नॉट ईजी बिकॉज एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हमारे यहाँ पे जो मौके मिलते हैं या जो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है वो यूरोप के साथ में मैच करना वॉज नॉट ईजी, बट वी स्टिल मैन्युफैक्चर्ड आवर ओन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक बैलस्ट। लाइक इन मोस्ट इंटरनेशनल कंपनीज व्हाट हैपेंस इज बैलस्ट एक अलग कंपनी से ही आ जाता है और लाइट एक अलग कंपनी से आता है और उसका इग्नाइटर तीसरे कंपनी से आता है, बट के यहाँ पे हमारे यहाँ ये होता था कि हम लोग लाइट तो बना ही रहे हैं, बैलास्ट भी खुद बना रहे हैं, इग्नाइटर भी खुद बना रहे हैं, हमारा होल्डर भी खुद का है। ये है 6 और 12 किलोवाट का इलेक्ट्रॉनिक बैलस्ट। तो ये बैलस्ट जो है पहले जो हमने आपको 12 के पार की जो लाइट बताई थी तो ये उसके साथ में यूज़ हो जाता है और ये हाई स्पीड में भी यूज़ हो जाता है, इसी वजह से ये हाई स्पीड लिखा है। तो ये जो है अराउंड 4000 फ्रेम्स पर सेकेंड में वगैरह जब यूज़ करने होते हैं हाई स्पीड शॉट्स तो उसके लिए भी ये बैलेंस्ड यूज होता है। सो ऑल दीज थिंग्स वाज डन हियर और उस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के वजह से हम लोग जो है जो जिस तरीके का सर्विस सपोर्ट इंडियन कस्टमर्स को एक्सपेक्टेड है उस तरीके का हम डिलीवर सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे बिकॉज इंडियंस जो है वो पूरा कार्ड चेंज नहीं करेंगे, उस कार्ड को भी रिपेयर करके उसको ठीक करने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इन हाउस। ये हमारा नया 30 वॉट का बहुत ही कॉम्पैक्ट पोर्टेबल लाइट है, इट्स एन एलईडी लाइट और स्पॉटलाइट है। ये भले बहुत ही छोटा दिखता है बट इट पैक्स क्वाइट अ पंच एंड वेरी वर्सेटाइल लाइट। इसके साथ में सॉफ्ट बॉक्स वगैरह भी आता है। तो ये तीन लाइट की एक किट आती है। तो ये इसकी ये बैग है जिसके अंदर ये चले जाता है और ये पूरे व्हील्स पे वगैरह भी चले जाता है। जो ट्रेन में जाएं या फ्लाइट में जाएं तो ये ट्रेन में सीट के नीचे वगैरह आने के हिसाब से इसको वेल डिज़ाइन प्रोडक्ट है ये। तो वी हैव सीन द जर्नी ऑफ लाइटिंग राइट फ्रॉम द इनकैंडेसेंट यानी हैलोजन टाइम्स से लेके किनोफ्लोज एंड कूल लाइट्स के तरफ जाते हुए, उसके बाद में नॉर्मल HMI से लेके पार्स एंड एम सीरीज वगैरह करते हुए आज LEDs तक की जर्नी है। तो हमने देखा कि अराउंड 2000 के बाद में इंडिया का मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गया एंड इंडिया के ऑडियंस भी यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स मतलब जो कंटेंट वो बना रहे हैं दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट वर्ल्ड लेवल प्रोडक्ट्स। लाइक आज एक एनिमेशन की फिल्म बननी है तो आज का जो बच्चा है वो सोचेगा मैं जब बाहर के बड़े एवेंजर्स वगैरह देख रहा हूँ तो उस क्वालिटी का अगर इंडियन सिनेमा नहीं आएगा तो इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग। इफ़ ही इज़ वॉचिंग अ स्पाइडरमैन तो फिर एवरीथिंग दैट गोज अराउंड द टेक्निकल पार्ट वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उस लेवल का अगर नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट उस लेवल का बनेगा नहीं। सो लाइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द विजुअल्स करेक्ट। ऑब्वियसली कैमराज वगैरह तो हैं ही हैं और नए स्टूडेंट्स जो है वो पूरा सीख के ही आ रहे हैं। आई हैव बीन क्लोजली वर्किंग विद सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एंड बिजू पटनायक इंस्टीट्यूट एंड अ फ्यू मोर इंस्टीट्यूट्स। तो मैं देख रहा हूँ तो टैलेंट तो है ही लेकिन बाद में उनके हाथ में उस तरीके के टूल्स नहीं आएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वी मेड ऑल अवर प्रोडक्ट्स एज पर द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड देन वी रियलाइज दैट we were always into manufacturing and we were renting out our products to the rental equipment hirers who were buying from us and putting it on rent. But I thought that there was a gap that needed to be bridged where we needed to get in direct touch with the DOPs and the production. Aur us wajah se humne ye ek rental unit dala hai. सो दैट हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या कुछ भी लॉन्च करें तो हम डायरेक्टली प्रोडक्शंस के साथ में और DOPs के साथ में और डायरेक्टर्स के साथ में या फिल्म मेकर्स के साथ में हम लोग डायरेक्ट काम कर पाएँ। आज
द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बिकम सो बिग, लाइक OTT इज वन ऑफ देम, यूट्यूब के लिए काफ़ी कंटेंट बनता है, IPL हो गया, बैडमिंटन लीग्स हो गए, कबड्डी लीग हो गया, एंड फिक्शन नॉन फिक्शन शोज, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो थ्रू द रेंटल यूनिट वी आर एबल टू रीच अ लार्जर ऑडियंस एंड हेंस वी आर ऑल्सो in the rental rental frame right now, and we have a very big manufacturing facility. You are right now in our rental unit. Our big manufacturing facility is in Thane. It's about 16 kilometers on Thane-Nasik highway, and if you get a chance, you are more than welcome to come and see our facilities, where we have everything in house, right from mold making, we make our own gravity die casting molds for all the castings and everything. We have our own sheet metal shop, we have our own electronic assembly, we have our own electronic testing, we have our final assembly testing, everything in house. So it is one of its kind, and it'll be worth for all of you all to drop into our factory and see what all activities are done there. तो देखा आपने लाइट कितने कमाल की होती है, कितनी सारी होती है. हमें लगता है बस दो चार लाइट से काम हो जाएगा, लेकिन लाइट की भी वैरायटी इतनी होती है जितनी की आर्टिस्ट की होती है. जितने ज़्यादा आर्टिस्ट लगते हैं उससे ज़्यादा लाइट लगती है, और लाइट के बिना कोई भी लाइमलाइट में नहीं आ सकता. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के अगर टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक करिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. All the very best. Hello friends, film celebrity or joint films mentors ki actor master classes dekhne ke liye download kijiye joint films app. I can, I will join.